हेलो स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 6, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम 7th क्लास। इन डे टू डे लाइफ वी मेजर मेनी थिंग्स सच एज वेट ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल। यस, व्हेन यू गो टू मार्केट, आप वहां पे कई चीजों का वेट करवाते हो, जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल है, फूड ग्रेन्स है, आपके बॉडी का टेम्परेचर है, सब मेजर किया जाता है। दिस ऑल आर फिजिकल थिंग्स, और जो उसका मेजरमेंट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो मेजर की जाती है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे है लिक्विड्स का मेजरमेंट लीटर में वगैरह, वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस, द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, इट इज जो भी है, दीज क्वांटिटी सच एज क्वांटिटी एज अ मास, है ना। ये क्वांटिटी एक मास, इनका वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इनके मास की क्वांटिटी मतलब क्या, उनका वेट कितना है, मास कितना है। मास में सबको पता है जो अमाउंट ऑफ मैटर में जो अमाउंट, जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो हमारा मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में जो सब्सटेंस बना हुआ है उसमें जो मैटर प्रेजेंट होता है उसके वजन को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम मास बोलते हैं उस चीज का, ठीक है। बिल्कुल ठोस रहता, पैक रहता, तो जो मैटर उसको बोलते हैं मास। और जो वेट होता है, वेट वो भी मास, एक मास ही हो गया, बट उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी हमारे अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड होता है और मास में वो नहीं रहेगा। ग्रेविटेशन फोर्स ऐड हो गया, दैट इज द वेट। इतना सिंपल थिंग दिमाग में रखो, दैट इज द मास और वेट का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब वैल्यू एंड यूनिट आर, अगर हमें इसका फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना है, मैग्नीट्यूड मींस उसका साइज, शेप, जितनी वो जगह को पाई कर रही है, उसका जो मास है, उसका वेट है, जो साइज है, शेप, जो भी है, ये एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू और यूनिट, ये यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्वराली वॉक 2 किलोमीटर एवरी डे, तो वैल्यू दी है कि 2 किलोमीटर वॉक करती है, राइट, 2 ये वैल्यू हो गई और किलोमीटर क्या हो गया उसका, उसके लिए हमने यूनिट यूज किया है, जैसे किलोमीटर, केजी, ग्राम, ये सब क्या होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या होता है, यूनिट होता है। यस, आप जैसे कोई चीज ले रहे हो सॉलिड में, तो उसके लिए आप यूनिट कौन सा यूज करते हो, वजन, उसका वेट, वेट के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हो, किलोग्राम, केजी, राइट, लिक्विड के लिए लीटर, राइट, इस तरह से लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, तो यही यहाँ पे लेंथ बताया, डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस के लिए क्या कहा गया है, 2 किलोमीटर वो एवरीडे वॉक करती है, समझ गया, 2 वैल्यू के लिए है, किलोमीटर यूनिट्स, तो यहाँ से है कि हमने ये डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे एक्सप्रेस किया है, वैल्यू और यूनिट को यूज करके। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे 2 क्वांटिटीज दी हुई है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, देख लेते हैं किसे स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी, अब जिस क्वांटिटी, जब हम किसी चीज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने आपको क्या है, मैग्नीट्यूड एरिया, शेप, साइज, जो भी है हमें बता, मैग्नीट्यूड, तो किसी भी कोई भी क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली हम एक्सप्रेस करते हैं उसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेस करते हैं, उसके साथ कुछ नहीं, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही एक्सप्रेस किया जाता, दोनों ही बताया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी बताया जाएगा, ठीक है, उसके शेप, उसका साइज, शेप, जो भी है, उसका जो मास है उसका, वो एक्सप्रेस करने के साथ साथ उस किस डायरेक्शन में है वो भी एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वैल्यू विथ यूनिट बताएंगे हम लोग, ठीक है, वैल्यू भी बताएंगे उसका, यूनिट भी बताएंगे, बट वो डायरेक्शन नहीं बताएंगे, स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, से यहाँ पे दिया है 2 किलोमीटर, टू किलोमीटर, हमने ये कहा क्या,
समझो फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं हम कि स्वराली वॉक 2 किलोमीटर, तो वो 2 किलोमीटर वॉक करती है। हमने ये कहा क्या, डायरेक्शन बताया क्या कि 2 किलोमीटर साउथ में जाती है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है। अगर हमने 2 किलोमीटर नॉर्थ या साउथ बोला होता तो प्लस डायरेक्शन बता रहे, मैग्नीट्यूड तो बता ही रहे हैं प्लस डायरेक्शन बता रहे, तो प्लस डायरेक्शन बता दिया मतलब कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन नहीं बताते, ओनली मैग्नीट्यूड बताते हैं, राइट। तो आप एग्जाम्पल, यहाँ का एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। तो टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क, इटीसी, दस वी से दैट द लेंथ ऑफ द टनल, ये सारी चीजें जो अगर हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दी भी है, जैसे ब्रीथ हो गया, एरिया हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। इन सब फिजिकल क्वांटिटी को किसमें इंक्लूड होगी, स्केलर क्वांटिटी में इंक्लूड होगी। इसमें सिर्फ वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है, मतलब कि वैल्यू और यूनिट बस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी सी दैट लेंथ ऑफ द टनल, टनल में सबको पता है, यस। अब इन हिंदी देखो, जब ट्रेन वगैरह जाती है तो बीच में एक गुफा टाइप का पड़ता है, राइट, दैट इज टनल। अब आई नो टनल, तो वो 2 किलोमीटर है। द फीवर, फीवर 101 degree Fahrenheit, हमने कोई डायरेक्शन कुछ भी ऐसा नहीं बताया, यस, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी समझ तो गई, एग्जांपल यहाँ पे जो दिया वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के बेस्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का नॉर्थ, द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर टूवर्ड्स मुंबई। तो डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का बताएगी कि 20 किलोमीटर ये क्या हुई है, यहाँ से वहां तक गई है, किस साइड में गई है, नॉर्थ साइड में क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताया हम। कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह प्लेस में पहुंच रही है तो हम उसे कहें वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हमने डायरेक्शन भी बताया मैग्नीट्यूड के साथ साथ। द एरोप्लेन, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 500 वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ, 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर वो एक घंटे में कवर कर रहा है, किस साइड को जा रहा है, मुंबई की तरफ, हमने डायरेक्शन बताया है, यस, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमने देख लिया, ये चीजें हम जैसे टाइम है, वर्क है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, एरिया, मास, इनके साथ हम डायरेक्शन नहीं बताते इजीली कि ये 2 किलोग्राम है, 2 किलोमीटर है, राइट, यस। अब मास, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मैं आपको डिफरेंशिएट करके ही बताऊंगी, मास और वेट दोनों साथ में ही एक्सप्लेन करूंगी आपको। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। एंड वेट किसको बोलेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन दिस मास, जो ये मास है, जो टोटल मास है किसी सब्सटेंस का, वो उस पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, वो भी ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड वेट, यस। एंड मास जो है कहीं पे भी आप जाइए, मास जो है आप यू डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर, कहीं भी आप जाइए, कहीं पे भी मास क्या है, चेंज नहीं होता है, वो हर जगह एक ही जैसा रहेगा। किसी भी प्लेनेट पे जाइए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मास क्या होगा, चेंज नहीं होता है। बट वेट, वेट ये क्या होता है, चेंज होता है, द इट इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, ये जरूर चेंज होता है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है वेट की कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट मास के लिए यहाँ पे बोला है, मैटर हैज अ नेचुरल टेंडेंसी, किसी भी मैटर की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि किसी भी चेंज को आप अगर उसका स्टेट चेंज करो, उसका मोशन चेंज करो, तो वो रजिस्ट करता है। अचानक से कोई चीज रखी हुई है, उसको आप अचानक से धक्का दोगे तो अचानक से जाती है, यानी थोड़ा सा रुक के फिर अपना स्पीड लेती, जितना आप फोर्स दोगे, राइट, उसका अपना भी एक फोर्स होता है रुकने का। तो मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास है, द लार्जर द मास, अगर मास लार्जर होगा, किसी का वेट ज्यादा होगा, तो उसकी इनर्शिया भी किसी ग्रेट होगी, मतलब उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी, वजनी है। आप फॉर एग्जांपल ले लो, कोई हल्का बॉक्स रख लो, कोई वजनी बॉक्स रख लो, हल्का बॉक्स उठाने में आपको कैसा
हल्का बॉक्स अपने आप को रिजिस्ट करके आप उठाओगे तो आपको ज्यादा ताकत लगेगी नहीं, पर अगर भारी रहेगा तो उठाने में आपको ताकत लगेगी क्योंकि वो भी अपने आप को रिजिस्ट करता है अगर आप उसको एक मतलब कि रेस्टिंग पीरियड से रेस्टिंग मोशन से हटाते हो तो। गाड़ी ही देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, आप पहले धक्का दोगे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर अपने आप वो मूव होते जाती है। यस, अब जो यूनिट है मास का वो रहेगा ग्राम किलोग्राम, और वेट का भी यूनिट सेम, उसको भी ग्राम और किलोग्राम ही मेजर किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज यहीं तक। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड, देख लेती हूँ मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, क्योंकि ये चीज पक्की है कि इन एवरीडे अफेयर्स आप मेजरमेंट देखते हो, मेजरिंग यूनिट्स देखते हो, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इट इज इसके लिए स्पेसिफिक यूनिट यूज किया जाता है। अब जैसे आप मिल्क लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं, एक किलो किलोग्राम दे दो, एक ग्राम दे दो, टू फाइव एक पाव दे दो, ऐसे बोलते नो बिल्कुल नहीं, वन के जी तो ऐसा नहीं बोलते ना, वन लीटर दे दो, टू लीटर दे दो, हाफ लीटर, मतलब यही कहा जाए कि हर चीज के लिए स्पेसिफिक यूनिट में डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।